आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हैदराबाद के खिलाफ पंजाब के बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा और केवल 120 रन ही बना सकी। हैदराबाद को पंजाब ने 20 ओवर में 121 रन का टारगेट दिया था। ऐसे में पंजाब के कप्तान केएल राहुल अपने गेंदबाजों से कसी हुई गेंदबाजी की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन बेस्टो और बॉर्नर ने पहले विकेट के लिए 73 रन जोड़ दिए। बॉर्नर 37 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबाद ने शानदार शुरुआत कर पंजाब के गेंदबाजों को पूरी मैच में दबाव में रखा। यही कारण रहा कि कप्तान राहुल भी मैच के दौरान आपक होते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर केएल राहुल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पंजाब के कप्तान अपने गेंदबाज अर्शदीप को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हैदराबाद की पारी के छठे ओवर में गेंदबाज अर्शदीप से गलती हो गई और फील्ड प्लेसमेंट के अलग लेग स्टंप से बाहर गेंद फेंकी, जिस पर केएल राहुल गेंदबाज को फटकार लगाते हुए दिखे। उस समय बॉर्नर स्ट्राइक पर मौजूद थे। हालांकि कप्तान की फटकार सुनने के बाद अर्शदीप ने अगली गेंद सही दिशा में फेंकी। इस मैच को गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट में बुधवार को पंजाब किंग्स की पारी को 19.4 ओवर में महज 120 रन पर रोक दिया था। पंजाब किंग्स के कप्तान लोकेश राहुल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। IPL से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।